हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो इस बारे में डिस्कस करने वाले कि SRM JEEE का जो सिलेबस है वो अवेलेबल हो चुकी है 2021 के लिए। तो आपको कैसे, किस तरीके से आपका सिलेबस चेक कर रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको SRM JEEE के रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस इसी चैनल पे आते रहते हैं। सारे डिटेल्स वगैरह, डिटेल्स नोटिफिकेशंस हर एक चीज़ इस पर आती है, ठीक है। एजुकेशन के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड सारे कुछ। तो क्या करना है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले जो आपको सिलेबस देखने के लिए क्या करनी होगी कि किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लीजिए और वहाँ पर आपको टाइप करने SRM JEEE 2021 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको SRM JEEE के रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको सर्च कर लेनी होगी, जैसे टाइप कर लेते हैं आप, टाइप करने के बाद सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक करने यहाँ पर IAS.com लिखी हुई रहनी चाहिए, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करनी है, ये एग्जैक्टली चीज पर क्लिक करनी है। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा है, आप क्या टेंशन है, आप क्या करना है, आपको लिंक पर क्लिक करना है, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उस पर क्लिक करना है। ईजी, आप अगर सर्च नहीं कर पा रहे तो लिंक तो दिया, डायरेक्टली आप जो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन अभी इसका है स्टार्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि अभी चालू हुई है, शुरू है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, जो सामने आपके फॉर्म है, आपका नाम क्या है, अपना नाम पूरा लिख दीजिए, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी पूरा लिख देना है, और अपना ईमेल आईडी अच्छे से जो भी आपका ओरिजिनल वाला रहेगा वो यहाँ पर लिख देना, जिस पर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पर टाइप कर लीजिए, कौन से स्टेट से, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी सिटी, अपनी सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है, उससे क्या होगा, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसके रिलेटेड, उसके थ्रू और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, तो गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना नहीं भूलना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो जैसे इस पेज पर आते हैं तो निशानी है थोड़ी सी, और निशानी है यहाँ पर आप और कुछ देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एज में रिलीज हो चुकी है 12 दिसंबर, ओके, रिलीज़ हुई थी, और यहाँ एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं अनाउंस हो चुकी है, क्लिक है तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कब है, कब से क्या है, जून में, ठीक है। तो उससे पहले आपको सिलेबस जो है आपको प्रिपेयर करने होंगे, क्लिक हियर पे सिलेबस पे क्लिक करने हैं, यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है, चेक सेक्शन वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हियर, तो यहाँ पर आपको चेक करना है सिलेबस सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज। तो यहाँ पर आपको जैसे नीचे आते हैं तो फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है, यूनिट्स यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ऑसिलेशंस एंड वेव्स मोशंस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, रे एंड वेव ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। तो ये फिजिक्स के जो आपके सारे सिलेबस टॉपिक्स बता दिए गए, सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, ये सारे टॉपिक्स स्टडीज करनी है, बहुत इजी है, और यानी कि चेक करना इजी, आपको स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, रिवाइज करनी है आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये आपको क्या है, ये सिलेबस है, और केमिस्ट्री के नहीं है, ये फिजिक्स का सिलेबस ये है, केमिस्ट्री के सिलेबस यहाँ पे दिया गया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, द स्टेट ऑफ मैटर्स, केमिकल फैमिलीज जो होती हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ये सारे जो हैं आपको केमिस्ट्री में सिलेबस हैं, यही आने वाले हैं, ये सिलेबस में है, ठीक है। तो यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये स्टडी करनी, ये तैयारी इसके थ्रू आपको स्टडी करनी है, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आके। मैथ्स का यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस है, सेट्स, रिलेशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशंस, एप्लीकेशन ऑफ मैटर्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत सारे, स्ट्रेट लाइन, टू डिटरमिनेशन सर्कल्स, टू डायनामिशंस। तो यहाँ से लेकर के ये जो आपके मैथ्स के हैं ना, ये हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी का यहाँ पे देख सकते हैं, बोटेनी और जो जूलॉजी होती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल, मतलब होती है अलग अलग, ठीक है।
और एग्ज़ाम पैटर्न से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से क्या करने हैं। यहाँ पे मतलब बताया गया है कि लैंग्वेज कौन सा यूज़ होगा आपको, एग्ज़ाम मोड कौन से एग्ज़ाम से होगा, ऑनलाइन मोड से होगा कि ऑफलाइन मोड से होगा, तो ऑनलाइन मोड से होगा। टाइमिंग यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको आपके एग्ज़ामिंग का टाइमिंग है, यानी कि कब तक से लेकर के कब तक आप देंगे, यानी कि मतलब कितना टाइम तक का देंगे, यहाँ पे बताया गया है ड्यूरेशन, कितना समय तक आप अपना जो एग्ज़ाम लिख पाएंगे, 2 घंटा 30 मिनट आपके पास टाइम है आपका एग्ज़ाम कम्प्लीटली करने के लिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप्स, नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट पार्ट बता दिए गए। तो ऐसे चेक करना है आपके सिलेबस, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो भी सुनाते, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।